वो एक बस थी जिसके अंदर स्कूल ट्रिप में जाने वाले स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। वो लोग एक जगह पे घूमने के लिए जा रहे थे। उस बस के अंदर उन स्टूडेंट्स का टीचर भी था जिनका नाम तमाकी था। उस बस में स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे और वो तमाकी की बात ही नहीं सुन रहे थे, इसलिए तमाकी ने भी अपना दिमाग खराब नहीं किया। वो अपनी सीट पे जाके बैठ के बाहर देखने लगा और बच्चों को एंजॉय करने देने लगा। पीछे एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम ओचिरो था। वो एक काफी अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन उसके बगल में बैठा लड़का उसे बुली कर रहा था। ये देख के तमाकी को अपना बचपन याद आ गया कि कैसे उसे भी एक दो लड़के बुली करते थे। तभी उसकी नजर बाहर गई, वहां पे एक बुल का कॉर्प्स रखा हुआ था। उसे देख के तमाकी को एक आइडिया आया। वो पीछे मुड़ा और उसने कहा, हे बच्चों, क्या तुम्हें एक स्टोरी सुननी है? ये एक हॉरर स्टोरी है, लेकिन मैं ये स्टोरी तुम्हें तभी सुनाऊंगा जब तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम चुप बैठोगे और तुम इस स्टोरी के बारे में किसी को नहीं बताओगे। सभी बच्चे एकदम शांत हो गए और वो तमाकी की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, हमें स्टोरी सुननी है। तमाकी ने कहा, ठीक है, अब शांति से बैठो और मेरी स्टोरी सुनो। ये कहानी काफी पहले की है। उस समय चाइना में बाढ़ आई थी। एक आदमी का घर उसी बाढ़ में नष्ट हो गया था और वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ दूसरी जगह पे जा रहा था। तभी उसने देखा कि आगे का रास्ता काफी डेंजरस था और वो उसे बिना मदद के पार नहीं कर सकता था। उसने देखा कि पास में एक बुल खड़ा था, तो उसने उसे मार दिया और उसके स्किन से एक टेंट बना दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं थोड़ी देर में ही आ रहा हूँ, तुम इसी टेंट में मेरा इंतजार करो। वो चलते चलते अपने गाँव में पहुंच गया, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि उसे काफी तेज बुखार था, लेकिन अभी 2 दिन बीत चुके थे। वो अपने परिवार के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। उसने एक एक्स उठा लिया ताकि अगर कोई जानवर उस पर हमला करे तो वो उससे निपट ले। जब वो वहां पे पहुंचा तब उसने देखा कि उसका परिवार वहां पे नहीं था, वहां पे एक बैल था। उस आदमी को लगा कि उस बैल ने उसके परिवार को मार दिया। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने उस बैल को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया। वो आदमी उस समय पागल हो चुका था। उसने उस बैल का सर उखाड़ा और उसकी स्किन पहन ली और ऐसे ही वो एक पास के गांव में पहुंच गया। वहां के लोग उस आदमी को देख के काफी ज्यादा डर गए क्योंकि उसने एक बैल की चमड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने जल्दी से उस आदमी को मार दिया। एक्चुअली में उस आदमी का परिवार एक दूसरे गाँव में चला गया था। वो आदमी 2 दिनों तक उनके पास नहीं आया था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए उस गाँव में गए थे। खैर, उस आदमी का परिवार एक दूसरे गांव में रिफ्यूजी बन के रहने लगा। जब उसका बेटा बड़ा हो गया तब उसने इस कहानी को एक पेपर पर लिखा, लेकिन उसे लगा कि ये कहानी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, इसलिए उसने उस पेजेस को फेंक दिया और इसी तरह ये कहानी एंड हो गई। सभी बच्चों को ये कहानी काफी ज्यादा मस्त लगी, लेकिन तभी ओचिरो ने कहा कि ये वो कहानी नहीं है। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे और उस पर चिल्लाने लगे। तभी उनके टीचर तमाकी ने उन सबको शांत कराया और फिर उसने ओचिरो से कहा, तो फिर तुम बताओ कि कहानी एक्चुअली में क्या थी। तभी ओचिरो ने एक पेपर निकाला और स्माइल करने लगा। वो कहने लगा कि यही वो पेपर है जो कि उस आदमी के बेटे ने फेंक दिया था। वो उस पेपर को घोरने लगा और काफी तेज तेज से उस कहानी को पढ़ने लगा। तभी उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो गई। उस बस के अंदर सभी बच्चे काफी ज्यादा डर गए। वो ओचिरो को रोकने लगे, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो काफी तेज तेज से उस कहानी को पढ़ने लगा। तभी उनके बस का बैलेंस बिगड़ा और उनका एक्सीडेंट हो गया। जब पुलिस उस साइट पे पहुंची तब उन्होंने देखा कि उस बस के अंदर सभी लोग मर चुके थे सिवाय ओचिरो के, जो कि अपने सीट पे बैठा हुआ था और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। पुलिस वालों ने उसे बाहर निकाला और उससे पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी ओचिरो ने कहा कि ये सब मेरी स्टोरी की वजह से हुआ। पुलिस ने हंसते हुए कहा, अच्छा, ऐसी कौन सी स्टोरी है, मुझे भी सुनाओ। ओचिरो हंसने लगा और कहने लगा, ठीक है, मैं आपको भी वो कहानी सुनाता हूँ।